शिवम शिवम। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आप सबके सामने लेकर आ रहे हैं आचार्य राम शास्त्री जी को, जो हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं, ज्योतिषाचार्य, बाकायदा उन्होंने पढ़ाई करके बहुत डिग्रियां हासिल की हुई हैं। उसके बाद इन्होंने वास्तु शास्त्र पे, हस्तरेखा शास्त्र में अच्छा खासा ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, और सबसे बड़ी खासियत है इनकी श्री भागवत कथा। जब ये भागवत कथा शुरू करते हैं तो ऐसा माहौल हो बन जाता है या हो जाता है जैसे सामने वाले के नजरों में, मतलब साक्षात श्री कृष्ण का दर्शन कर लेते हो लोग, एक एहसास हो जाता है ऑडियंस को। तो मैं तो जितनी तारीफ करूं कम है, पर मैं आपके सामने इनको अपने चैनल पे पेश करने जा रहा हूं, ज्ञान द ट्रेजर पे। तो चलिए, हम शास्त्री जी को आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। नमस्कार राम शास्त्री जी। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जी। हमारे दर्शक, हमारे श्रोता आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे आगे चलकर, जिनके प्रश्नों का उत्तर आपको देना है जी। तो मेरा पहले तो एक छोटा सा प्रश्न होगा जो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, क्योंकि आगे चल के आप खुद उनसे मुखातिब रहेंगे। आपने इतनी सारी डिग्रियां हासिल की हुई है, आपने ज्योतिष में कहां से आपने ज्योतिष की वो विद्या प्राप्त की है? महर्षि विश्वविद्यालय जबलपुर से, और फिर ब्रह्मांड संस्थान यहाँ पर मुंबई से, हमने भारतीय विद्या भवन यहाँ से हमने ज्योतिष से पीएचडी किया है, और अभी पढ़ाई हमारी चल भी रही है ज्योतिष के बारे में। और वास्तु शास्त्र की विद्या भी आपने वहीं से प्राप्त की है? जी, महर्षि विश्वविद्यालय से, जबलपुर से। अच्छा, और हस्तरेखा? वो भी सर वहीं से, महर्षि विश्वविद्यालय से हमने वहीं से प्राप्त किया। मैंने सुना है कि जब आप भागवत कथा करते हैं तो आपके जो श्रोता हैं वो बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, उन्हें ऐसा एहसास होता है कि श्री कृष्ण आसपास ही हैं। ऐसी क्या खासियत है, आप कैसे सुनाते हैं इसको? ये तो भगवान की बड़ी कृपा है, भगवत कृपा है, ये तो भक्तों का प्रेम, भगवान का आशीर्वाद, माँ सरस्वती कृपा है। तो सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाया श्री कृष्णाय वयम नमः, ये परम ब्रह्म परमात्मा का आशीर्वाद है। ठीक है, सब मंत्र मुक्त हो जाते हैं। आगे हमारे दर्शक जो श्रोतागण हैं, भागवत कथा सुनना चाहेंगे आपसे एक फिक्स टाइम पे, जो टाइम आप देंगे। और हमारा पहला प्रश्न आपसे यही रहेगा जी, आदमी की तरक्की में जी ज्योतिष और वास्तुशास्त्र कितना मायने रखता है? सर देखिए, चारों वेदों के जो आंख है ना, चक्षु स्मृतम ज्योतिषम, चार वेद हमारे हैं शास्त्रों, शास्त्रों में चार वेद, चार वेदों की जो आंख है वो ज्योतिष है। भाग विधाता ब्रह्मा जी जब आपके भाग लिखते हैं वो ज्योतिष से आधारित है। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर, ये है प्रभु की कारीगरी, फिर क्यों गंभीर, अरे कोई कारण होगा, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, रे कोई कारण होगा। ये ज्योतिष शास्त्र इतना गहरा है कि जिसमें इतना ढूंढना चाहो ढूंढो, उसका भी अंतर, उसका पूर्ण अंतर नहीं है। और जीवन के लिए ज्योतिष हर कदम कदम में है। आप ग्रह मुहूर्त देखते हैं, शादी विवाह कराते हैं, नक्षत्र, भविष्य, नाना प्रकार के जो आपके जीवन में मार्ग में किसी भी मोड़ में आप जाएंगे, ज्योतिष जरूर मिलेगा।
ज्योतिष की बात उठी है तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कहते हैं कि भाग्य तो हमारे विधाता लिख देते हैं पहले ही, जी तो लिखा हुआ है, जो होना है होना है, होने को कोई टाल नहीं सकता है, तो जी इसमें ज्योतिष हमारी क्या मदद कर सकता है, कितनी मदद कर सकता है, क्या वो हमारी किस्मत को बदल सकता है? ज्योतिष आपके मार्ग, न्यू मार्ग की स्थापना कर सकती है। ज्योतिष आपको नया मार्ग दिखाती है। अगर आपके नसीब में, भाग्य में दुर्घटना कोई लिखी है और आपको पहले से मालूम पड़ जाए कि हमारे कुंडली में लिखा है, तो उसका संकल्पित मार्ग कोई प्राप्त कर सकते हैं, दुर्घटना से बच सकते हैं आप। अच्छा, और पूजा है, पाठ है, शांति है, जो वास्तु भगवत। शास्त्र है, और जो वास्तु शास्त्र है, वास्तु शास्त्र से भी हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं क्या, हम अपने जीवन में तरक्की कर सकते हैं क्या, अगर वास्तु को हमने अपने जीवन में इंप्लीमेंट किया तो? वास्तु शास्त्र जीवन पूरा चेंज हो सकता है। वास्तु शास्त्र से वास्तु आपके बॉडी का पूरा बॉडी या वास्तु हुआ पूरा वास्तु। अगर हमारे पूरे बॉडी में अगर पेट गड़बड़ हो जाए तो हमारा पूरा दिन, पूरा शरीर या पूरा अंग ढंग बदल जाता है हमारा। अगर हमारे घर का वास्तु, जहां फ्रिज रखना है वहां फ्रिज ना हो, अन्य कोई दिशा में है, तो घर में कलह क्लेश उत्पन्न होते हैं, घर में अशांति पैदा होती है, लक्ष्मी नहीं टिकती है, सुख शांति नहीं रहती है। अगर व्यवस्थित वास्तु के हिसाब से हर चीज सेट किया जाए तो घर में सुख शांति, घर स्वर्ग के समान हो जाता है। अगर किसी के घर में आप जाएं, वो तरक्की जी नहीं कर रहा है, बड़ा परेशान है, तो जब आप उस घर में प्रवेश करते हैं, तो आप वहां के लोगों का कुंडली देखते हैं या वास्तु देखते हैं पहले? पहले वास्तु देखते हैं उसका। पहले जब हम एंट्री करते हैं तो पहले वास्तु देखते हैं, कौन क्या क्या सामान कहाँ रखा हुआ है, उसका किचन किस दिशा में है, पानी के जो मटका है किस दिशा में है, फ्रिज कहाँ रखा है उन्होंने, भगवान की मंदिर कहाँ रखी हुई है, कहाँ स्थापित उन्होंने किया है, वो सब देखने के बाद परिवर्तन करवाते हैं। जो दिशा में सही चाहिए परिवर्तन करते हैं। फिर बाकी तो कुंडली में, कुंडली तो बाद में देखते हैं। अच्छा, और एक अहम प्रश्न है, वो प्रश्न है जी भागवत कथा से रिलेटेड मेरा। जी जैसा कि मैंने सुना है कि भागवत कथा जब आप करते हैं तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, इस भागवत कथा को सुनने का जो बेनिफिट है वो क्या है, क्या फायदा होता है श्रोतागण को? जी 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 जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। जब आपके जन्मों जन्म के पुण्य पुंज एक होते हैं, जब जन्मों जन्म के पुण्य इकट्ठा हो जाते हैं, तो आपका भगवत प्राप्ति एक बार की प्राप्ति होती है और बड़े सौभाग्य की बात है। भगवान वांग्मय रूपा भगवान श्री कृष्ण पूरे भागवत में समूहित रूप में समाये हुए हैं। ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, भगवान का स्वरूप है, वांग्मय स्वरूप है। इसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, भक्ति की प्राप्ति होती है। जितने भी आपके मनोरथ हैं वो सब पूर्ण होते हैं। आप किस काम के लिए करवाना चाहते हैं, पितरों को मोक्ष के लिए, या भक्ति प्राप्त करने के लिए, या आनंद लेने के लिए, ये तो परमानंद है, सत सत्चित आनंद। सत्य क्या है, श्री रामायण। चित क्या है, गीता। आनंद है भागवत। इनका एक नाम हो गया सच्चिदानंद रूपाया। आप किस भाव से कराना चाहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, उसी भाव से आपको प्राप्त होगा। इसमें कोई संशय नहीं। और एक आखिरी प्रश्न आपसे, जी वो होगा वेद के बारे में।
जी हाँ, क्योंकि मैंने आपसे इस विषय में कभी बात नहीं किया, और मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपने चारों वेद का भी शायद अध्ययन किया हुआ है ना, मैंने सुना है। चारों वेदों का अध्ययन मैंने किया है महर्षि विश्वविद्यालय से। क्योंकि हम, जी मुझे लगता है कि हमारे हिंदुस्तान में या पूरे विश्व में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने चारों वेदों का अध्ययन किया हो। जी जी ये बस हाँ, भगवान की कृपा है। तो हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे श्रोता हैं, जो हमारे चारों वेद हैं, इसके विषय में भी आप धीरे धीरे बताना शुरू कीजिएगा। ऐसी मैं आपसे बिल्कुल प्रार्थना करता हूं। तो धन्यवाद राम जी, धन्यवाद राम शास्त्री जी, और हम बिल्कुल आज्ञा चाहेंगे, और दोबारा हम आपको अपने चैनल पे बिल्कुल इनवाइट करेंगे, और बहुत जल्दी इनवाइट करेंगे। राधे राधे राधे। राधे। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।